हम पे भरोसा रखो। My name is Bond, कविता बॉन्ड। इस षड्यंत्र के पीछे मैनेजर का हाथ नहीं है, उसका तो सिर्फ उंगली है। हाथ तो किसी और का ही है। अयो, तुमको क्या लगता है वो आएगा? अरे कैसे भी आएगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। बस एक बार आ जाए, देखना का हाल करते हैं उसका। अरे रज्जो रानी भाई, आज कुछ चाय हुए मिलने की संभावना है या नहीं है, है? दादाजी अब क्या भूल गए, आज सोसाइटी की मीटिंग है और दादी वहीं गई हुई है। अरे हाँ, हम तो बिल्कुल भूल गए थे। लगता है चाय हुए मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। दादाजी आपकी चाय तो फिर भी बन जाएगी, पर मेरे बाल कौन बनाएगा? तुम्हारे बाल कौन बनाएगा? तुम्हारे बाल हम बनाएंगे। आप बनाओगे मेरे बाल? तो दादी से भी अच्छे। वहां बैठ जाओ। आज शाबाश, लाओ कंघी हमें दो। ए उधर मुंह फेर लो ऐसे, और ये देखो दादाजी का कमाल। ये यहाँ से ये। अरे दादू आप क्या कर रहे हो? ओहो बिटिया, हमारे हाथ गीले हैं ना, इसलिए फिसल रही है कंघी। लाओ रिबन बिटिया। ये लीजिए। ये लो, ये लगाया। लाओ दूसरा रिबन। ये इसको ये करके ये बांध दिया। बन गया। अब हम बिटिया रानी के लंच बॉक्स का प्रबंध करते हैं भाई, जल्दी जल्दी। दादाजी, दादाजी क्या किया? दादाजी हुआ बिटिया? दादाजी आपने क्या किया? कैसी छोटी बांधी है? ऐसी छोटी देखकर तो मेरे स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाल है किसी की जो मेरी बिटिया का मजाक उड़ाए? अगर उड़ाए तो? तो ब, 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 कह देना कि नया फैशन है, सब चुप हो जाएंगे। हेलो बिटिया रानी, तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी, लो। दादाजी मुझे लगता कि इसे भी चेक करना पड़ेगा। अरे इसमें कोई भूत थोड़ी है बिटिया। अरे चार बटर ब्रेड तो है बस। बटर के साथ? दादाजी ये ब्रेड में बटर नहीं, बटर में ब्रेड है, और ब्रेड के दोनों तरफ अपने बटर लगाया। दिखाओ बटर में ब्रेड कैसा है। ये लीजिए दोनों साइड। ये तो हाँ। दादाजी अगर आपने इतना सारा बटर उसमें लगाया होगा तो गिरेगा ही ना, ब्रेड थोड़ी ना आपके हाथ में रहेगा। अच्छा ठीक है छोड़िए, आप मुझे ना जैम लगा कर दीजिए। जैम? अरे जैम तो बेटी तुम्हारी दादी कहीं छुपा के घुसा के रख के गई है, कहीं मैं ना खा लूं। फिर दादाजी अब इसे भी रख लीजिए, मैं कुछ और खा लूंगी। अरे बिटिया मगर हमारी बात तो सुनो, कुछ और बना के दे दू को, पराठा राठा। किसी ने सच कहा है भैया, जिसका काम उसी को साज है, और करे तो डंका बाजे। पता नहीं सोसाइटी के आदमी अपनी बीवियों के बिना कैसे मैनेज करते होंगे भैया। पूरे घर का पोछा मार दिया, बाकी थोड़ा सा किचन का बचा है। अरे क्या चमक रहा है यार, एकदम चेहरा दिखाई दे रहा है। अरे चमका गई। अरे भाई आज पता पड़ा है घर गृहस्थी में औरत की क्या वैल्यू होती है। वो बेचारी इतना काम करती है और मैं मालूम नहीं क्या क्या उसको बोलता रहता हूँ। अरे भाई लेकिन अच्छा है वो सोसाइटी के काम में बिजी है, इसलिए मेरा शॉपिंग का खर्चा भी बच रहा है कट पीस काट के। अरे जहाँ बचत होती है वहाँ टोडर माल एकदम सामने आ जाता है। अभी थोड़ा और पूछा मार लू, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यार कितना खर्चा बचेगा मालूम है? मनी सेव दिस मनी ऑन। ठीक कह रहे पुत्र, ये खाना पकाना ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है,
ये आज मुझे महसूस हो गया है, इसके लिए मैं औरतों को सलूट करता हूं। ऐसा गला टकराने से काम चलेगा क्या? अरे कैसे काम चलेगा राजलक्ष्मी बेन, ये तो ऐसा कपड़ा है जिसको एक तरफ से सियो तो दूसरी तरफ से उखड़ जाता है। ये सब ना उस पुराने सेक्रेटरी और मैनेजर का किया धरा है, कोई भी काम हिसाब से नहीं है। वही तो बात है ना, कभी इधर दौड़ो, कभी वो काम करो, कभी वो कोर्ट में जाओ, थाना में जाके पैसे का चक्कर लगाओ, अब टाइम तो ऐसा ही बर्बाद होते जा रहा है, ऐसा कैसा चलेगा? बड़ी झूले लाल, बड़ी हाथ में काम लिया है तो फिर करना पड़ेगा नहीं, और देखो सबको टाइम भी देना पड़ेगा नहीं। और कुछ रिजल्ट तो निकले, इधर तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना क्या है। यू आर राइट डॉली, हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबका काम आसान हो जाए। हाँ, अगर हम में से कोई वो क्या कहते हैं मैनेजर बन जाए तो। उरी बाबा, सत्ती बोला, तुम ही मैनेजर बन जाओ, हफ्ते में हम एक दिन तुम्हारे लिए मीटिंग रखेंगे, वो भी फ्राइडे को। फ्राइडे? अरे वो फ्राइडे तो हमारा बिजी डे है ना, वो कहे कि वो दिन ना वो नया फिल्म पर रिलीज होता है, हम देखने के लिए जाते हैं, हम कभी मिस नहीं कर सकते ना। अरे पावे सुमन, इधर इतना काम पड़ा है, इसको बिजी हो गई फिल्म देखने में। हेमा मालिनी। एक दफा हिंदुस्तान और चाइना के वार के समय बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, वो हमारा कुक बेचारा शहीद हो गया था और खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। पूरी आपके ऊपर आ गई थी? बिल्कुल। फिर तो आपको खाना बनाने का पूरा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना पापा जी, आज खाना आप ही पकाइए ना। हाँ जी। ओए, क्या कहा? ओ यार, तू समझता क्यों नहीं है, मेरे को इस चार दीवारी में बैठ के खाना पकाने की आदत नहीं है। ओ यार, वहाँ बॉर्डर पे खुले में जहाँ टेंट शेंट लगे होते थे ना, वहाँ पे मैं खाना बनाता था। अच्छा है, एक और आइडिया है मेरे पास पापा जी। हाँ। आप ना अपनी आंखें बंद करके भूल जाओ कि ये घर है, आप सोचो कि आप बॉर्डर पर हो और आप टेंट में खाना पका रहे हो। ओके, आंखें बंद कर दो। ठीक है, ये ले, मैंने आंख बंद कर दी। हाँ, अच्छा है, तब तक मैं कुकर में दाल और चावल चढ़ाकर आता हूँ। अब काट रहा हूँ। पापा जी आंखें खोलो, की कर रहे हो तुसी? आंखें खोलू? ओके। ओ तेरी, ओ इतने बड़े बड़े टुकड़े। अरे देखो पापा जी। हाँ, अरे इतनी बड़ी बड़ी सब्जी कोई काटता है भला? लेकिन क्या है, आंखें बंद करके तो ऐसी कटेगी ना। दादाजी, मुझे भूख लगी है, खाने में क्या बना है? वो खाना बनेगा पुत्र, जरूर बनेगा, थोड़ा सबर रख। पापा जी, खाना आज ही बनाना है, आप एक काम करो। हाँ। हैप्पी को अभी के लिए कुछ और दे दो खाने के लिए, तब तक मैं सब्जियां अच्छे से काटता हूँ। ठीक है, ए फट, आ जा पुत्र, आ जा। अच्छे से तो काटनी है, बस ये ली सब्जी, ये ली छुरी, ऊपर घुमाना। ओए, अब बोल, अच्छा है? क्या अच्छा है, बुरा है? ये खाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है पापा जी। ठीक कह रहे पुत्र, ये खाना पकाना ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, ये आज मुझे महसूस हो गया है, इसके लिए मैं औरतों को सलूट करता हूँ। सलूट है। हाँ बोल परविंदर। क्या हुआ नफीसा, आप सोसाइटी मीटिंग में आए क्यों नहीं? सब लोग पता है आपको कितना मिस कर रहे हैं। अरे क्या बताऊं परविंदर, आने का तो मेरा भी बहुत दिल था, लेकिन बेटी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए नहीं आ पाई। हाय रब्बा, क्या हो गया आपके हंसते खेलते बच्चे को? हाँ देखना, कल रात में नींद में भी वो बड़बड़ा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था।
अच्छा तो आप घर पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? अरे पानी पढ़ रही हूँ, और क्या करूँगी? कमाल है, हाथ की रेखा पढ़ते सुना है, किताब पढ़ते सुना है, मंत्र पढ़ना सुना था, ये पानी पढ़ना क्या होता है? अरे बाबा तू नहीं समझेगी। अच्छा सुन, मीटिंग में क्या हुआ वो मुझे बताना, वैसे बाद में मैं तुम लोगों को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? चलो अल्लाह। ओके बाय। क्या बोली नफीसा? उसका बेटा बीमार है, वो बाद में हमें ज्वाइन करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चाय गर्मा गर्म, चाय सैंडविच गर्मा गर्म, ये लो जी गर्मा गर्म चाय, चेतीलाल के सैंडविच। अब बढ़िया से चाय नाश्ता कर लो जी। वैसे मैं देख रहा हूँ आप इतने दिनों से बड़ा काम कर रहे हो, अब वॉचमैन होने के नाते मेरी भी ड्यूटी है ना कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूं। हाँ, बढ़िया बात है। हाँ भैया बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, आजकल तो राहु शनि मंगल सब एकदम शांत है। वही झूलेलाल, तो मैं भी पहले कुत्ते और बिल्लियों का ध्यान रखूंगी। वही तो रख रहा हूँ जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब सोसाइटी में। अरे किसी की हिम्मत कि मम्मी के रहते सोसाइटी में आ जाए? हाँ बिल्कुल नहीं। चलो ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया, पर अब ओमी को ये जानकर बहुत ही खुशी होगा कि हम सब ने मिलकर ओमी का पगार बढ़ा दिया है। ये तो डबल सवाल हो गया जी, ये तो डबल सवाल हो गया जी। थैंक यू जी। अरे ओमी भाई कमाल तो अब होगा, अब हमने महिला मंच की ऑफिस में सब जगह के विभाग में दो दो औरतों का काम करने का नक्की किया है। चलो चलो कविता बहन, अभी तुम जल्दी से बताओ कौन 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 से विभाग में किसके साथ काम करेगा, बताओ। वन मिनट गर्ल्स। ओके भाई देखो, सफाई की जिम्मेदारी राजलक्ष्मी और सरोज संभालेगी, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की जिम्मेदारी पूर्णिमा और परवीनर के नाम, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जागृति के नाम, और अकाउंट की सारी जिम्मेदारी नफीसा और डाली संभालेंगी। ये तो बढ़िया है। और आप कौन सा जिम्मेदारी संभालेंगी? मैं शूटिंग करूंगी ना। शूटिंग? पर शूटिंग तो आपका काम है, आप सोसाइटी का कौन सा काम करेंगी? अरे सबसे बड़ा काम करूंगी ना बाबा, सोसाइटी का हेल्प। लो जी, आप शूटिंग करेंगी तो हेल्प कैसे करेंगी? देखो गर्ल्स, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, कभी कभी है ना हमें रात में कॉल टाइम मिलता है, सुबह 8:30 पहुंचना है और पैकअप होते होते 11 बज जाती है। अब वेयर आई विल गेट टाइम टू हेल्प यू गाइस? ओह जागृत बहन, रोना नहीं रोना नहीं। एक कविता सोती। हाँ सोती, ये भी अच्छा है। अभी ये सोसाइटी की मीटिंग हम लोग इधर ही खलास करते हैं। अभी मेरे को एक खास अनाउंसमेंट करने का है। देखो मेरी बेटी जलपा है ना, उसको नौकरी मिले हुए 1 साल हो गया और अभी उसको प्रमोशन भी मिलने वाला है, तो मैंने इसी खुशी में एक स्पेशल पार्टी रखी है मेरे घर पे, तो उस पार्टी में आप सब लोगों को मेरी तरफ से निमंत्रण है। हाँ भैया बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, आजकल तो राहु शनि मंगल सब एकदम शांत है। हाँ आप चाहे इतना शेयर खरीद लो, सोने के भाव तो है ना। गिर गया। नहीं 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 नहीं, सोने का भाव नहीं गिरा, मैं गिर गया। हाँ हाँ हाँ, अरे एक मिनट, अरे किस बेवकूफ ने यहाँ इतने सारे मिठाई के डब्बे रखे हैं? अरे नहीं 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 भैया, मैं आपको बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि किस बेवकूफ ने यहाँ इतने सारे मिठाई के डब्बे रखे हैं। अरे इतने सारे मिठाई के डब्बे किस लिए रखे हैं? इतने सारे मिठाई के डब्बे किस लिए रखे हैं? अरे
पड़ोसियों को देने के लिए रखे हैं। पड़ोसियों को? लेकिन क्यों? ना कोई गरबा है, ना नवरात्रि है, ना जन्माष्टमी है, इतने सारे मिठाई के डब्बे पड़ोसियों को देने के लिए क्यों? अरे आप भूल गए, हमारी दिकरी जलपा को जॉब मिले हुए आज पूरा एक साल हो गया है और अब तो उसको ना प्रमोशन भी मिल गया है, तो इसकी खुशी में हम ये सारे मिठाई के डब्बे पड़ोसियों में बांटने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए रखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई मैं क्या बोलता हूँ सुनो, मैं अभी फोन रखता हूँ, मुझे मिठाई के डब्बे बांटने जाना है, मैं आकर फोन करता हूँ। हाँ हाँ, आपको भी एक भेजूंगा, जरूर जरूर जरूर। चलो 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 चलो, आप निकलो, मैं ये रख कर आती हूँ। हाँ चलो चलो चलो। हमड़ो हमड़ो हमड़ो, आ जागृति बेन ने तुमने जणावता, समस्त परिवार ने जणावता खुशी अने फक्र महसूस થાય છે કે અમે પહેલી વાર અમારા ઘર માં એક પાર્ટી કા આયોજન કિયા હે, ઓર આપ સબકો ઉસમે આના હે। અરે ભાઈ એક મિનિટ સુનો, યે તાલી બજાને કી જરૂરત નહીં હે। દેખો ભાઈ मैं मानता हूँ तुम पार्टी देता है खुशी से, लेकिन खर्चा कितना हुआ मालूम है? कट पीस काट के हमारा। ओए खोतिया, वो पार्टी इनकी है, खर्चा हमारा कैसे होगा? देखो भाई मैं समझाता हूँ, अभी तुम अपने मर्जी से पार्टी देता है, हम खुशी से आएगा तो कोई गिफ्ट तो लेके आएगा नहीं बाबा, और गिफ्ट खरीदने के लिए बड़ा पैसा तो खर्चा होता है ना। खर्चा कितना होगा मालूम है? अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। ए नजा पंजा उनजा पंजा है नजा सत्तर, अरे टोटल पंजा हजार खर्चा होगा। पंजा पंजा नीचे रखो टोटल बल भाई, एक भी खर्चा होने वाला नहीं है। क्या बात करती है? क्योंकि ना ये पार्टी हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई भी गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले बोल देना चाहिए था ना, बगैर गिफ्ट की पार्टी है। मेरा तो हार्ट बीट बंद हो रहा था कट पीस काट के। तो हार्ट बीट वापस शुरू कर दो टोडरमल भाई। मैं आपको एक और खुशखबरी देती हूँ, हमारी बेटी जलपा है ना, उसकी नौकरी को एक साल पूरा हो गया और उसको प्रमोशन भी मिल गया है। अरे वाह 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 वाह। देखो बहन, तुम ये साल में एक बार काय को पार्टी देता है, हर महीने ऐसा पार्टी दो ना कट पीस काट के हम आएगा। और जागृति बहन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम लोग सब आ जाएंगे आपकी पार्टी में, और आकर उस जलपा बिटिया को ना बहुत तरक्की करने के लिए, आगे बहुत आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद भी देंगे। थैंक यू थैंक यू। तुम सुबह आना हो हमारे घर पे पार्टी में, और काका जी आपके लिए ना वो स्पेशल वाली डिश भी मैं बनाने को बोलने वाली हूँ। और स्पेशल वाली डिश से याद आया, स्पेशल वाली डिश तो है ना मेरी शीरिन बनाती थी मेरे लिए। क्या नाम था डिश का? अभी इसका कौन सा मेरे भेजे से निकल गया। ये दारू वाला। यस सर। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। आई नो सर। तुम्हें इतनी छोटी सी पोस्ट पे और इतनी कम सैलरी पे दिन रात काम करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जलपा क्यों था? अरे बोलते क्यों नहीं थे? क्या हुआ तेरे को? बच्चा क्या हुआ? कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे ऑफिस नहीं जाएगी मतलब? नानी बात छे जागृति, ऑफिस नहीं जाना मतलब सीधी बात है, ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा होगा। क्यों? पापा जो होना था वो हो गया है। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है बेटा? अरे क्यों परेशान कर रही हो उसे, अभी नया प्रमोशन हुआ है तो कुछ दिन छुट्टी मनाने का मन होगा, उसके साथ हम भी मजा मस्ती करेंगे। हाँ बेटा देख, तेरे प्रमोशन की खुशी में ना मैंने सारे पड़ोसियों को पार्टी में इनवाइट भी कर लिया है। मम्मी मुझे पूछ तो लिया होता। अरे उसमें पूछने का क्या, तेरी खुशी के लिए हम एक पार्टी भी नहीं रख सकते क्या? पापा जब मन अच्छा हो तभी सब अच्छा लगता है। लेकिन बेटा तेरा मूड खराब क्यों है? समझ गए बॉयफ्रेंड। मम्मी। अरे बेटे क्या हुआ? मम्मी
मम्मी पापा वो मेरे बॉस है ना, वो मेरे साथ पहले की तरह बिहेव नहीं करते। मतलब उनका मेरी ओर देखने का नजरिया बदल चुका है, कुछ गलत ढंग से ही देखते हैं वो। अरे वो फाइल मिली? सर एक सेकंड चेक कर रही। अरे इतना धीरे धीरे माउस चलाओगी तो सुबह से शाम हो जाएगी फोल्डर ढूंढते ढूंढते। एक मिनट सर। सर मैं चेक कर रही हूं ना। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि अजय नारंग का मुझे इस तरह से टच करना काम का ही कोई हिस्सा है। सर आप जो फाइल ढूंढ रहे थे वो मिल गई और मैंने सारे पेपर्स भी प्रिंट आउट कर दिए। वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए। और उसने वापस मेरा हाथ छुआ। काम खत्म हो जाने के बाद भी अक्सर वो मुझे नया काम बता के रोक दिया करते थे और उस दिन शिल्पा। यस सर। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। आई नो सर। तुम्हें इतनी छोटी सी पोस्ट पे और इतनी कम सैलरी पे दिन रात काम करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने कंपनी के सीनियर से तुम्हारे प्रमोशन की बात की है। रियली सर? हाँ जल्पा। थैंक यू सो मच सर। अरे अब तक तो तुम्हारा प्रमोशन लेटर टाइप भी हो चुका होगा, मगर एक बात समझ लो, जो मैं कहूँगा वही करना होगा तुम्हें। काम करना है तो मेरे अंडर ही काम। और जब मैंने उसकी मनमानी पे रोक लगाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए और मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी। सर, सर! जल्पा! मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी खामोशी का फायदा उठाओ। ये देख लूंगा मैं तुझे, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। अजय नारंग नाम है मेरा, अजय नारंग। और मैं उसी वक्त ऑफिस से निकलकर घर आ गई और मम्मी अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बच्चा अभी जो भी करना है हम लोग साथ मिलकर करेंगे। चुपचाप जुम सेना वो भी कायरता है, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे वही उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। हाँ, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, उस अजय नारंग को सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे बिना 10 का आशिका 4 दिन पहले तुम गुम गया था, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, अभी मिला है, किधर घूमने गया था बाबा? देखिए आप लोग मेरी बात समझिए, आप लोग अच्छे घर के हो, इज्जतदार हो, कामकाजी हो, बेकार में इन बड़े लोगों से उलझोगे तो अपना वक्त खराब करोगे। अरे ऐसी रोटी जो तुम्हें रुलाती है वो किस लिए? वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए, ले तू भी ट्राई कर।